अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। इन्फो एम आर के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम डी डी सी क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल करेंगे, इसमें से कुछ टॉपिक्स। इसके लिए हमारे साथ रहें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटेशन बनाने या कॉल नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमने पहली समरी जनरल क्लास को फाइंड किया। उसके बाद उसके अंदर हमें लाइब्रेरी साइंस का जो नंबर मिला, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, वह लाइब्रेरी साइंस जो है 020 के अंदर वो हमें सेकंड समरी नंबर मिला। उसके बाद अब इसको समरी को मज़ीद सर्च आउट करेंगे तो उसमें हमें लाइब्रेरी ऑपरेशंस का नंबर थर्ड समरी में मिलेगा जो है 025। उसके बाद मज़ीद शेड्यूल को सर्च करते रहेंगे तो आगे चलकर हमें वन नंबर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का मिला। उसके बाद हमने इसका नंबर जो है वो टोटल नंबर बनाया 025.1 लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अगर सेकंड नंबर हम बात करें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, ये हमारा टाइटल है, तो इसको कैसे नंबर असाइन किया जाएगा, 00 जनरल क्लास और 030 इंसाइक्लोपीडिया का नंबर है, सेकंड समरी से मिला, और ब्रिटानिका एक जनरल इंसाइक्लोपीडिया है तो उसका टोटल नंबर बना 032। ऐसे बिल्टियन नंबर हमें मिल गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की तालीम। अगर लाइब्रेरी साइंस की तालीम कोई टाइटल आता है तो उसको हम फर्स्ट समरी में सर्च करेंगे, सेकंड समरी के अंदर लाइब्रेरी साइंस का हमें नंबर मिला। लाइब्रेरी साइंस का नंबर लेने के बाद अभी हमें एजुकेशन का तालीम का नंबर चाहिए, तो तालीम का नंबर है 710। वो अब इसमें है दो सब्जेक्ट, उनको हमने ज्वाइन करके हमारा जो है मेन नोटेशन या क्लास नंबर जो बनेगा वो बनेगा 020.71, और 0 जो है पिछला एजुकेशन का, वो हमने उसूल के तहत DDC के उसूल या रूल्स के तहत 6 वाला 0 को हमने ओमिट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो टोटल टाइटल का ये जो नोटेशन है वो बनेगा 020.71 लाइब्रेरी साइंस की तालीम। ऐसे अगर हम आगे वाला नंबर देखें ऑनलाइन के तलाक मीन्स या ओपेक कह दें, तो ओपेक को कौन कैसे क्लास नंबर असाइन करेंगे, उसके क्लास के अंदर आता है। उसके बाद 205 जो है वो लाइब्रेरी ऑपरेशंस का नंबर है, इसके अंदर हम शेड्यूल से मज़ीद फाइंड आउट करते रहेंगे। तो 0.31 जो है कैटलाग का नंबर है, और 0.313 जो है कैटलाग की फॉर्म्स का नंबर है, और 0.3132 जो है ऑनलाइन कैटलाग का है। तो शेड्यूल से ही हमें कंप्लीट नंबर मिल जाता है। उसके अंदर हम दोबारा ऐड करेंगे 025.3132, तो ऑनलाइन कैटलाग का नंबर बन जाएगा। ऐसे ही हम अगर जनरल इंसाइक्लोपीडिया एंड सिंधी लैंग्वेज के अंदर इंसाइक्लोपीडिया का नंबर कैसे बनेगा, इसके लिए हमने 000 जनरल क्लास फर्स्ट समरी में डिटेक्ट किया, तो 030 हमें इंसाइक्लोपीडिया का नंबर मिला सेकंड समरी से। उसके बाद हमने सिंधी का नंबर हम जो दिया 0.9141, ये हमने टेबल 6 लैंग्वेजेस से लिया, सिंधी का ये जो नंबर बिल्टियन मिला हमें टेबल 6 लैंग्वेजेस से। उसके बाद हमने इसको ऐड किया, सिंसाइज किया, ज्वाइन किया या मर्ज किया, 030.9141 जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन सिंधी। ऐसे कुछ नंबर हम इन पर बात कर लेते हैं कि बिल्टियन नंबर हमने ऑलरेडी बनाया 015, ये जो है वो बिब्लियोग्राफी का नंबर है, और इसके अंदर हमने टेबल 2 एरिया से हमने इसका जो नंबर दिया 5491, ये है पाकिस्तान का नंबर, तो ऐसे पाकिस्तान की नेशनल बिब्लियोग्राफी का नंबर हम दे सकते हैं। और 016.2 बिब्लियोग्राफी ऑफ रिलीजन, इसमें दो सब्जेक्ट है, एक बिब्लियोग्राफी का 016 और दूसरा जो है वो है रिलीजन
के लिए दो इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि 200 रिलीजन का है और दो जीरो जो हमने इसमें ओमिट कर लिए हैं एज ए रूल ऑफ डीसी। उसके बाद बिब्लियोग्राफी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए के बिब्लियोग्राफी का जो स्पेसिफिक नंबर है 015, और उसके बाद हम इसमें जो 4 ऐड किया है वो है ब्रिटिश का, ठीक है ना। ये डायरेक्ट नंबर हमें मिल जाता है के ब्रिट। उसके बाद हम 004.03, अब देखें ये है कंप्यूटर का नंबर या डेटा प्रोसेसिंग का नंबर, 03 है ये हमने टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न से 03 लिया है जो है इंसाइक्लोपीडिया का नंबर। ऐसे डेटा प्रोसेसिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डेटा प्रोसेसिंग का नंबर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है वो 016.202 जो इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, आपने 016 जो है वो आपने बिब्लियोग्राफी का नंबर दिया, 020 जो होता है लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट नंबर, पर हमने इसके अंदर पिछला जीरो ओमिट करवा दिया। जीरो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक है बिब्लियोग्राफी दूसरा लाइब्रेरी साइंस, ऐसे हमने इसका नंबर ऐड किया या बनाया। उसके बाद 030 ये जनरल इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया का नंबर है। उसके बाद हम 006.6 कंप्यूटर ग्राफिक्स का नंबर है, डायरेक्ट हमने शेड्यूल से लिया। उसके बाद 015.5492 टेबल 2 से 5492 एरिया का नंबर लिया और ये बिब्लियोग्राफी ऑफ बांग्लादेश बन गई। ऐसे 004 कंप्यूटर्स या डेटा प्रोसेसिंग कह सकते हैं। उसके बाद 005.133 ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ का नंबर है। उसके बाद 031 जनरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना है। 025 लाइब्रेरी ऑपरेशन 0.3 जो है वह कैटलॉग का नंबर। उसके बाद हम आ रहे हैं 016 जो है वो बिब्लियोग्राफी जो है उसका नंबर है। उसके बाद ये जनरल का है, स्पेसिफिक का नहीं है बिब्लियोग्राफी। तो उसके बाद 5150 हमने पिछला जो है ओमिट कर देते हैं तो ये बुक्स ऑन मैथमेटिक्स बन जाता है। इसमें भी दो सब्जेक्ट है बिब्लियोग्राफी दूसरा मैथमेटिक्स। 510 पिछला जीरो ओमिट हो गया। 025 लाइब्रेरी ऑपरेशन 0.002 जो है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का डायरेक्ट नंबर हमने शेड्यूल से लिया हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 016.297 की, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक है बिब्लियोग्राफी का दूसरा है इस्लाम का, तो इसमें हमने दोनों ही नंबर दो सब्जेक्ट ऐड किए तो बन गया बुक्स ऑन इस्लाम। उसके बाद 016.004 इसके अंदर भी दो सब्जेक्ट्स हैं, एक बिब्लियोग्राफी और जो दूसरा जो है वो कंप्यूटर का, ऐसे बुक्स ऑन कंप्यूटर्स बन गया इसका टाइटल। उसके बाद 016.5 इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं, इसमें पहला बिब्लियोग्राफी और जो 5 पीछे फाइनली पॉइंट के बाद 500 होता है तो उसे मैंने 20 ओमिट कर दिया तो ये बन गया बिब्लियोग्राफी ऑन साइंस। उसके बाद हम 025.62 की बात कर रहे हैं लाइब्रेरी ऑपरेशन। उसके बाद 62 जो है इंटर लाइब्रेरी लोन का डायरेक्ट नंबर हमें मिल गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग DTC प्रैक्टिकल वीडियो।